कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या से पूरे देश में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं बिहार और भागलपुर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार के द्वारा किए गए सभी इंतजाम नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को भागलपुर में कोरोना संक्रमित की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर गई, जिससे जिलावासियों में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए पहले कोरोना अपडेट में कुल 133 नए मामले की पुष्टि हुई, जिसमें भागलपुर जिले से 14 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2900 को पार कर गई है, जिसमें भागलपुर के गोराडी एवं साकुंड से 4-4 मरीज, सबौर से 3 मरीज, खरीक से 2 एवं कहलगांव के 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज शामिल हैं। गौरतलब हो कि प्रवासी मजदूरों के भागलपुर आने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है, और बिहार में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 के करीब पहुंच चुकी है, वहीं भागलपुर एवं बांका भी 3 अंकों तक पहुंच चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया। बिहार बोर्ड 2020 मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले 80% से अधिक छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त किया है। मंगलवार को मैट्रिक परीक्षा परिणाम आने की सूचना पर छात्र छात्रा शहर के इंटरनेट कैफे पहुंचे। दोपहर के वक्त शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने परीक्षा परिणाम घोषित किया, जिसके साथ ही राज्य के 15 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार भी समाप्त हो गया। गौरतलब हो कि रोहतास के हिमांशु राज 481 अंकों के साथ बिहार टॉपर बने, जबकि उजियारपुर के दुर्गेश कुमार ने राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं अरवल की जूली कुमारी ने 478 अंकों के साथ छात्राओं में पहला स्थान प्राप्त किया है। भागलपुर में भी परीक्षा परिणाम जानने को उत्सुक छात्र छात्राओं की भीड़ इंटरनेट कैफे में जुटी रही, जहां किसी के चेहरे पर खुशी थी तो किसी के चेहरे पर मायूसी थी। कोरोना संक्रमण के बीच सरकार जहां दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को गृह राज्य लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। रेल मंत्रालय एवं राज्य सरकार के समन्वय से हजारों की संख्या में श्रमिकों को भागलपुर लाया जा चुका है, जिसको लेकर सरकार एवं प्रशासन लगातार सुविधाओं को उपलब्ध कराने का दावा करती रहती है। लेकिन बाहर से आने वाले श्रमिकों ने यात्रा के दौरान प्राप्त सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी। मंगलवार को गुजरात से भागलपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में दरभंगा निवासी लालबाबू कामती की मौत हो गई। लालबाबू कामती अपनी पत्नी कृष्णा देवी एवं 3 बच्चों के साथ भागलपुर आ रहे थे, लेकिन सुविधाओं के अभाव में आकर स्टेशन के समीप ही लालबाबू की मौत हो गई। कृष्णा देवी ने कहा कि पति की तबीयत पहले से खराब थी और ट्रेन में यात्री सुविधाओं के साथ साफ सफाई की व्यवस्था भी नदारद दिखाई दी। उन्होंने कहा कि 23 मई को ट्रेन खुली थी, लेकिन लेट लतीफी के कारण 26 मई को भागलपुर पहुंची। इतने लंबे सफर में पति की तबीयत और बिगड़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। गुजरात से वापी में यहाँ पे बिहार आने के लिए रास्ते में ट्रेन में पंखा लाइट कुछ नहीं था, इतनी गर्मी थी और जगह जगह पे रोक रहे थे जंगल में झाड़ी में। खाने पीने का व्यवस्था भी था तो एकदम खाना सड़ा हुआ, फिर भी कुछ भी अच्छा चीज नहीं था, पानी तो बुला वो उससे बेहतर। नवगछिया के इस्माइलपुर बिंद टोली बांध पर चल रहे कटाव निरोधी कार्य का भागलपुर सांसद अजय मंडल ने निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने स्परों पर हो रहे कटाव निरोधी कार्य को बारीकी से देखा और बेहतर कार्य कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सांसद ने कटाव निरोधी कार्य में इस्तेमाल किए जा रहे बोल्डर वर्क, जियो बैग एवं गोबियन को देखा और उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। वहीं सांसद कटाव निरोधी कार्य में इस्तेमाल किए जा रहे छोटे छोटे बोल्डर को देखकर भड़क उठे और उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाया। सांसद ने मौके पर मौजूद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण काम कराने का निर्देश दिया। सांसद ने कहा कि गलत ढंग से अधिकारियों द्वारा कटाव निरोधी कार्य कराया जा रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे। हम आपको बता दें कि लगभग 30 करोड़ की राशि से कटाव निरोधी कार्य कराया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मौके पर जल संसाधन विभाग के SDO रमेश शाह सहित जूनियर इंजीनियर एवं कई कर्मी मौजूद थे। हाँ, काफी अनियमितता देखी गई, क्योंकि जिस काम को लेबर के द्वारा उसको ड्रेसिंग करते हुए काम करना है, वो डायरेक्ट नाव से बोल्डर उतरवा करके छोटा बड़ा उसका कोई सेटिंग नहीं करके डायरेक्ट दे रहे थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार की देर रात से मंगलवार तक भागलपुर में गुजरात, महाराष्ट्र एवं दिल्ली समेत अन्य जगहों से 7 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची, जिसमें 3500 से अधिक यात्रियों की स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्क्रीनिंग की गई।
भागलपुर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की देखरेख में सभी श्रमिकों एवं उनके परिवार वालों की बारी बारी से जांच की गई, जिसके बाद श्रमिकों एवं उनके सामानों को सैनिटाइज कर बसों तक पहुंचाया गया। भागलपुर से बाहर के जिले के श्रमिकों को बसों से उनके गृह जिला भेजा गया, जबकि जिले के विभिन्न प्रखंडों के श्रमिकों को प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। विगत 3 सप्ताह से भागलपुर में हजारों श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी लगातार कई दिनों से आम जनों के बीच राशन वितरण के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी करवा रही हैं। आरती कुमारी लगातार बीमार एवं जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचा रही हैं। इस महामारी में जहां सारे नेता अपनी वाहवाही करने में लगे हैं, वहीं आरती कुमारी अपनी पूरी टीम के साथ जनता की सेवा में लगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर भूखों को खाना मुहैया करा रही हैं। पति प्रदीप यादव भी कदम से कदम मिलाकर जनसेवा में लगे हैं और लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने के लिए हमेशा हाथ धोते रहें एवं मास्क जरूर लगावें। लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ आम से खास लोग गरीबों की मदद में जुटे हैं, वहीं जदयू नेता पप्पू मंडल एवं मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी इस मुहिम में सबसे आगे हैं। नाथनगर, जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में पप्पू मंडल के द्वारा जरूरतमंदों के बीच लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल खुद राशन वितरण कर रहे हैं। आज हजारों लोगों के लिए पप्पू मंडल व मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। जदयू नेता पप्पू मंडल आप सभी आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। भागलपुर नाथनगर के भुआलपुर में बीते दिनों कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। मंगलवार को CTSP सुशांत कुमार सरोज भुआलपुर पहुंचे और सील किए गए एरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान गांव के मुख्य रास्ते पर की गई बैरिकेटिंग को देखा और थाना अध्यक्ष को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद CTSP ने फतेहपुर गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। मौके पर नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन, ललमटिया थाना प्रभारी ओम प्रकाश सहित मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मौजूद थे।
भागलपुर सांसद अजय मंडल ने सोमवार को नवगछिया अनुमंडल के कई क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रवासियों ने समय पर भोजन नहीं मिलने, बिजली की व्यवस्था नहीं रहने की शिकायत की, जिसके बाद सांसद ने सेंटर प्रभारी से मिल रही शिकायतों के बारे में जानकारी ली और डीएम से सेंटर प्रभारी पर कार्रवाई करवाने की बात कही। सांसद ने कहा कि प्रत्येक सेंटर पर निरीक्षण के दौरान काफी अनियमितता मिली है। सेंटर प्रभारी की मनमानी के कारण ही प्रवासी श्रमिक परेशान हैं। सांसद ने जल्द ही व्यवस्था में सुधार कराने की बात कही। इस मौके पर पुलकित मंडल चंद्रेश्वरी प्रसाद सिंह निषाद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ लोगों को पूरी और सब्जी खिलाया गया है। बच्चे को भी पूरी सब्जी खिलाया गया है। इन लोगों को कोई ऐसा सुविधा नहीं दिया गया है जो कि सरकार के नियमावली से बहुत गलत किया है। यहाँ अविलंब हम एडीएम से बात करके यहाँ के प्रभारी पर कार्रवाई करने का। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज के 414वें शहीदी गुरु पर्व के अवसर पर मंगलवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से शीतल जल एवं कच्ची लस्सी का वितरण किया गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को शहीदों का सरताज कहा जाता है और 1606 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उन्हें जजिया टैक्स का विरोध करने पर धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया था, लेकिन कई शारीरिक पीड़ा सहने के बावजूद गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सम्राट के आदेश को ठुकरा कर 24 जेट के दिन अपना शरीर त्याग दिया। लॉकडाउन को लेकर भागलपुर गुरुद्वारा में शहीदी गुरु पर्व पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन कच्ची लस्सी एवं जल का वितरण कर गुरु को याद किया गया। इस मौके पर खेमचंद बचियानी, सरदार सतवीर सिंह, परमेश अंबा, सरदार हर्षप्रीत सिंह, विनोद नागपाल समेत कई लोगों ने मजदूरों एवं राहगीरों को लस्सी वितरण किया। सिख धर्म के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी गुरुपुरब है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी है कि सारे धार्मिक स्थल बंद हैं, तो हम लोगों ने भी कोई आयोजन इस अवसर पर नहीं किया है। केवल सिर्फ राहगीरों के बीच में शीतल जल कच्ची लस्सी का वितरण किया गया। हमारे पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का आज शहीदी दिवस है, जिनके उस पर उपलक्ष्य में हम लोग कच्ची लस्सी जो है पिला रहे हैं लोगों को, ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। भागलपुर डीआईजी कार्यालय में मंगलवार को नवगछिया परवत्ता थाना क्षेत्र राघोपुर के ग्रामीणों ने गांव के दबंगों द्वारा घर में तोड़फोड़ एवं मारपीट करने को लेकर आवेदन दिया है। ग्रामीणों ने सौरभ कुमार, गोपाल मंडल, फूलो मंडल, अजय मंडल, अमित कुमार एवं सुजीत कुमार पर लाठी डंडे से मारपीट करने एवं घर में लूटपाट एवं तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि घर तोड़ दिए जाने के कारण सभी बेघर हो गए हैं और दबंगों के द्वारा की गई घटना की जानकारी परवत्ता थाना एवं नवगछिया एसपी को भी आवेदन के माध्यम से देने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने डीआईजी सुजीत कुमार से दोषियों पर कार्रवाई एवं न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब हो कि डीआईजी ने ग्रामीणों द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर परवत्ता थाना को मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हमारा राघोपुर से आइलो छे आरो हमरो घर द्वार उजारी पुजारी दले छे, सब मुखिया सरपंच सब कर रहते हुए सब ने मिली गुजारले छे, ओकरो बाद हमरो बच्चा कहाँ रहते, हमरा बहुत दिक्कत हो रहलो छे, घर हम छोटो जगह छे रहबै कहाँ, ओहो हमरा नहीं लागि रहलो छे, पैसा नहीं छे घरों में, 2 महीना से हमरो पति कमेने नहीं छे, कहाँ से आनबै पैसा, हम सब हमरा सोचे ले पड़े छे, कटनी बनी करी खाए छे और वही रेलवे पर हम रह छे। अभी हम लोगों के पास समस्या है, आगे खेती देखें कि हम लोग घर देखें, हम लोगों का घर तहस नहस तोड़ तार के फेंक दिया है और सामान वामान जो है लूट लाट को बर्बाद कर दिया। पहले थाना 15 तारीख को थाना को हम आवेदन दिए थे और इसके बाद और 24 तारीख को वो लोग हम लोगों के साथ तोड़ फोड़ किया, लगभग 30 घर को नाश कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। अब बताइए एक घर बनाने में कितना रुपया खर्च होता है। कोरोना संकट के दौरान प्रत्येक कार्डधारी परिवार को अनाज के साथ दाल भी डीलरों के द्वारा दिया जा रहा है। सोमवार को कई कार्डधारी लाभुक यूनिट के आधार से डीलर से दाल लेने की मांग करने लगे, जिसके बाद डीलर और लाभुक के बीच विवाद शुरू हो गया। वहीं दाल को लेकर हुए विवाद की सूचना मिलते ही मंगलवार को नवगछिया एसडीएम मुकेश कुमार ने खरीक प्रखंड में कई जन वितरण प्रणाली की दुकान का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि प्रत्येक कार्ड पर 1 किलो दाल दिया जा रहा है। कन्फ्यूजन के कारण डीलर और लाभुक के बीच विवाद हुआ था, जिसका समाधान कर दिया गया है। साथ ही एसडीएम ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को लाभार्थियों को अनाज सही तौल और उचित कीमत पर देने का निर्देश दिया है।
भागलपुर सन्हौला प्रखंड के उचड़िया गांव में जल जीवन हरियाली योजना के तहत हो रहे तालाब निर्माण में काफी अनियमितता बरती जा रही है। संवेदक तालाब निर्माण में मिट्टी काटकर ग्रामीणों को बेच रहे हैं, जबकि इन मिट्टियों को तालाब के चारों ओर डालना है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक ट्रैक्टर 100 रुपये की दर से संवेदक द्वारा मिट्टी बेची जा रही है। अब तक संवेदक द्वारा लाखों रुपए की मिट्टी बेची जा चुकी है। वहीं तालाब की मिट्टी बेचे जाने की सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि 28 लाख रुपए की लागत से लघु सिंचाई विभाग द्वारा तालाब का निर्माण कराया जा रहा है, जो 9 फीट गहरी होगी। इस संबंध में जब लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता इम्तियाज आलम से बात की गई तो उन्होंने जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है, जहां रजिस्ट्रेशन के बाद सभी प्रवासियों को क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। मंगलवार को सेंटर पर पहुंचे प्रवासियों ने अल्पाहार नहीं मिलने को लेकर जमकर हंगामा किया। प्रवासियों ने कहा कि सेंटर पर किसी प्रकार की सुविधा मौजूद नहीं है, जिसके कारण लोग भूख से परेशान हैं। वहीं स्क्रीनिंग नहीं होने के कारण ग्रामीण भी गांव में प्रवेश नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। जिस टाइम मेरा काम बहुत स्लो हो रहा है, दो लाइन था जिसमें से एक मशीन खराब हो गया है और वो मशीन फिर से बना नहीं या फिर उसके जगह पर दूसरा रिप्लेसमेंट हुआ नहीं है, तो लाइन बहुत लंबा हो गया। धूप में पड़े हुए थे, ना पानी पूछा गया है और ना ही नाश्ता। और हम लोग रात में भी आए, जब भी भागलपुर उतरे हम लोग, तो वहाँ से क्या कोई प्रशासन पूछा है? मैं DSP से बात भी किया, लेकिन वो बोले क्या, मैं उसको बताया कि मैं घर पे जा रहा हूँ, बोले ठीक है चले जाओ। और सुबह भी मैं SP से बात किया हूँ तो वो बोले क्या, प्रशासन तुम्हारे यहाँ पे जाएगा नहीं, तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा।